यहां से एक इंटरेस्टिंग जर्नी हम शुरू करने वाले हैं। आपके सिग्नेचर्स पे दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है नाम और एक होता है सरनेम, राइट? मैम थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना मैम। हाँ जी, कहाँ से? मैं पूना से अर्चना बात कर रही हूँ। हाँ हाँ मैं आपको देख पा रही हूँ, बोलिए ना। तो अभी 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 मैंने ज्वाइन किया, थोड़ा लेट हुआ मुझे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं एक फटाफट आपको एक थोड़ा सा जस्ट दे देती हाँ हूँ प्लीज इसका रिकैप। जल्दी से। सिग्नेचर थैंक यू वेरी मच। आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पर्सनैलिटी का मिरर है, हाँ आपका जो सबकॉन्शियस स्टेट होता है माइंड का वो रिप्रेजेंट करता है, वो आपके थॉट प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करता है। सिग्नेचर से आपकी ग्रोथ, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप हो, या सोशली आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो सोसाइटी में, वो सब आपका सिग्नेचर इंडिकेट करता है। ठीक ओके है, अब कैसा होना चाहिए? इट शुड बी क्लियर, क्योंकि क्लैरिटी अगर होगी आपके सिग्नेचर में तो इसका मतलब आपने जो अपना गोल बनाया है या जो भी ग्रोथ के लिए आपने जो पाथ चूज किया है वो आपके दिमाग में क्लियर है, इट इज नॉट कंफ्यूज। इट शुड बी रीडेबल, पता होना चाहिए किसका सिग्नेचर है। ठीक है, अभी अगर मेरा नाम है अंशु और अगर मैं ANSSHU लिख रही हूँ तो उसमें डबल एस है, और अगर मैं दोनों एस को मिक्स कर दूं तो वो पता नहीं चलेगा, या कोई किसी भी तरह का, है ना? अगर मैं किसी भी तरह से, एक टॉप शेयर, आप लोग को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ एक मिनट, आई जस्ट पिन माय सेल्फ। ओके, कैन यू सी दिस बोर्ड नाउ? मैम विजिबल। यस हाँ, बट मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, इसमें मिरर इमेज आएगी, थोड़ा मिरर इमेज का गड़बड़ है इसकी। आई होप सो आई विल बी एबल टू, अंशु जी नहीं आएगी क्योंकि आपने सिग्नेचर जो लिखा हुआ है ना वो सीधा ही आ रहा है। आपको सीधा पढ़ने में आ रहा है? ओके देन इट्स ओके, मुझे अपनी स्क्रीन पे उल्टा दिख रहा है, आई एम सो सॉरी। चलिए, तो हम क्या कर रहे थे कि जैसे मेरा नाम है ना, अर्चना जी म्यूट करें अपने आप को। आपको ये पढ़ने में आ रहा है सबको? आप एक एक अल्फाबेट पढ़ने की कोशिश कीजिए। इट इज नॉट क्लियर, राइट? और यही अगर मैं इस तरह से लिखूं, अभी पढ़ने में आ रहा है? यू कैन शो मी थम्स अप, यस है ना? तो आपको क्या लग रहा है, इस नाम के हिसाब से कंफ्यूजन दिख रही है ऊपर वाले नाम के हिसाब से? यहां पर क्लैरिटी है, आई एम सॉरी, जैसे एग्जैक्ट होता है वो मैं शायद बोर्ड पे आप लोगों को बता नहीं पाऊं, बट काइंडली थोड़ा इसमें आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आदत छूट चुकी है ना बोर्ड पे लिखने की। ओके, तो ये चीज आप लेकिन लोगों, जैसे बोलते हैं ना कि अपना सिग्नेचर किसी को समझ में नहीं आना चाहिए, लेकिन लेटर शुड बी नहीं जी क्लियर बट इट बिल्कुल शुड नहीं, नॉट बी ये रिकॉग्नाइज्ड गलत इट बात है। अदर्स। अब मैं आपको बताती हूँ, जो जितना कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर होगा ना उतना हाँ इजी होगा कॉपी करना। हमेशा याद रखिए, जो चीज सिंपल होती है ना वो डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आप, हर इंसान सिंप्लिसिटी को कॉपी नहीं कर सकता, राइट? दिस इज अ फैक्ट, मजा आएगा देख के। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए, अब हम नेम एंड सरनेम पर आते हैं। इन जनरल क्या होता है, जब हम सिग्नेचर्स करते हैं तो जो इनिशियल लेटर्स होते हैं, जैसे मेरा नाम है अंशु अग्रवाल, ठीक है, अंशु मेरा नाम है, सरनेम अग्रवाल है, तो मेरे नाम में क्या आ रहा है? ANSSHU, सॉरी यार, मेरा थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम दिखेगा आपको, बट काइंडली मैनेज। अब आप देखिए, ये जो ए है ये कैपिटल है और ये कैपिटल है,
तो आपके सिग्नेचर में हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्लियर हैं, आपका स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ है। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है कि मैं पता नहीं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, तो उसको कहते हैं सेल्फ बिलीफ। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस आता है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ होता है, आपके एम्बिशंस बिग होते हैं, ओके और ये आपकी बोल्डनेस भी शो करता है। यहाँ पर रिस्क टेकिंग जो कहते हैं ना हम कि बिजनेस में रिस्क टेकिंग होती है, या आप जिस तरह से अपने आप को देख रहे हो, वो सब चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब नाउ ये मैंने जान पूछ के यहाँ अंशु और अग्रवाल के बीच में गैप रखा है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, राइट और ये गैप क्यों है? इसका मतलब है कि अंशु एक स्पेस चाहती है अपने परिवार से, ये मैं हूं। अंशु इज अ पर्सन जो साइन कर रहा है, अग्रवाल इज द कंप्लीट फैमिली, तो यहां पर क्या है, ये अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है और अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर। यहां तक क्लियर है? नाउ द सेकेंड थिंग, अब अगर मैं अपना साइन सिर्फ ये करती हूं, नेम एंड सरनेम के ओनली इनिशियल्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आई डोंट वॉन्ट कि मैं ज्यादा शो ऑफ करूं, आई लाइक सिंप्लिसिटी, ज्यादा अपने बारे में दूसरों को नहीं बताना। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, चीजों को छुपा के रखना, छुपा के मतलब जितना जरूरत है उतना ही देना, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को एग्जैजरेट करके नहीं बताना। और अगर हम फर्स्ट नेम का फर्स्ट जैसे अंशु का ए हम लिखते हैं एंड अग्रवाल पूरा लिखते हैं, सो दैट मींस आ रही हूं मैं, उस पे भी आ रही हूं। ओके ओके, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, इसका मतलब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वी डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू इंटरफियर इन आर लाइफ, एज एन इंडिविजुअल वी सी आर सेल्फ। ठीक है, अब आता है कि अब अगर ये नाम है मेरा, मैंने फर्स्ट लेटर भी बड़ा लिख दिया, अब मुझे इसके साथ अग्रवाल लिखना है एंड अंशु के साथ मैंने ऐसे लिख दिया ए ए आर डब्ल्यू ए एल, जस्ट थिंक इट एज अ सिंगल वन, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस लूप, I think I should make another one now. चल, एक इनिशियल लेटर लिखती हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ए लिखा, अब मेरे को एक और अग्रवाल लिखना है, अब इसमें मैं आपको दो तीन ट्रेड्स यहीं पर बता देती हूँ। पहले तो मैंने क्या किया, इनिशियल लेटर लिखा अपने नाम का, उसके बाद मैंने अग्रवाल का एक बड़ा सा लूप बना के जी ए आर डब्ल्यू ए एल लिखा। ओके, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी फैमिली के अंदर कुकून में रहना चाहती हूँ, फैमिली सपोर्ट के साथ फैमिली के अंदर रहना चाहती हूँ। बिकॉज सरनेम हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली, हमारा जो सरनेम है वो हमारी फैमिली रिप्रेजेंट करता है, राइट, और इंडिविजुअलिटी मेरी है लेकिन
फिर भी वो फैमिली के साथ है। हाँ यही अगर ये मैं इसको यहां छोटा लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फैमिली के अंदर रहते हुए मैं अपनी आइडेंटिटी को कम समझती हूं, यहां पर मैं बोल्ड नहीं हूं, राइट? उसी कुकून में रहना चाहती हूं, वो तो यहां से हमें क्लियर हो गया, लेकिन यहां पर मेरी जो सेल्फ वर्थ है वो कम है, मैं खुद ही सेल्फ वर्थ अपनी कम समझती हूं। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, क्यों कैपिटल होना चाहिए और अगर आप स्मॉल लिखते हैं तो क्या उसका इफेक्ट आता है? सर ये मैम आपने ये जो छोटा ए बोला यानी फैमिली में रहते हुए भी हम अपने आप को कम समझ रहे हैं, समझते हैं जी। यहां तक क्लियर है? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, चलिए ये मैंने अ यहां लिखा या मैं इस अ को यहां लिख रही हूं और ए एन एस एच यू ऊपर लिख रही हूं, इसी की लाइन को ऊपर ले जाके इसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज हिंग्लिश, राइट? इन जनरल हम यही करते हैं ना। इसका मतलब है कि ये जो है अंशु है ये क्रिएटिव है, लव टू बी कॉल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ओके। अब अगर मैं देखूं तो मेरे नाम में अगर मैं सिर्फ हिंदी में करती हूँ, देखिए मैं इंग्लिश हिंदी आपको दोनों इसलिए बता रही हूँ और ये हर लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होती है ये चीज। अभी मैं अंशु लिख रही हूँ हिंदी में, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आर्टिस्टिक बना दिया। अभी न अंक की जो बिंदु है उसकी जगह मैंने हार्ट बना, ये भी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। यहाँ पर कभी कुछ लोग यहाँ ये नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर हार्ट बना देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने दीपिका पादुकोण का कभी सिग्नेचर देखना, वो हार्ट्स यूज करती है, तो दे वांट टू बी डिफरेंट। इसका भी कुछ मीनिंग है मैम? डिफरेंट अपने आप को डिफरेंट दिखाना चाहते हैं वो मॉब से, लोगों से अलग पहचान बनाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी डिफरेंट, कॉल डिफरेंट। आप ऐसे लोगों को ना आप अगर बोलोगे ना आप तो अलग ही दिखते हो, ये आपका तो एक वाइब्रेशन ही अलग है, वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू यू नो टू बी टोल्ड कि दे आर डिफरेंट, तभी तो वो ये कर रहे हैं ना, नॉर्मल नॉर्मल क्यों नहीं बना रहे, राइट? आप कोई भी सिग्नेचर चाहे हिंदी में करो इंग्लिश में करो इट्स ऑल गुड, बस कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ओके?